मित्रों सुनिएगा कि कोई यहां क्रिकेट का खेल बेच रहा है, आज कुछ अलग ही हो रहा है इस देश में। तब कह रहा हूं कि कोई यहां क्रिकेट का खेल बेच रहा है, थाना कोई तो कोई जेल बेच रहा है, पैसे का खेल देखो सदी का महानायक बाजार में नवरत्न तेल बेच रहा है। आइए आज आपको शिक्षा की स्थिति पर एक कविता सुनाता हूं। सुनिएगा मित्रों, आजकल हर मां बाप की यही कोशिश रहती है कि उनका लाडला खूब पढ़े पढ़े और जंप मार कर आगे बढ़े बढ़े और एकदम डायरेक्ट पैसे के पेड़ पर चढ़े। शहर कस्बा गांव बाजार चारों तरफ पूरे जोर शोर से हो रहा है शिक्षा का प्रचार प्रसार, हर जबान पर है सब पढ़ें सब बढ़ें, जो पढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। पढ़ने वालों से ज्यादा जो प्रचार प्रसार के पुण्य कार्य में लगे हैं ना, वो बढ़ रहे हैं। सब जी जान से जुट गए हैं, एकदम तुल गए हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले विश्वविद्यालय खुल गए हैं। जो हाई स्कूल में फेल हो गया, केजी से पांचवी तक की नर्सरी खोल लिया। जो हो गया था रेस्टिकेट, प्रबंधक है एक विद्यालय का, बांट रहा है इंटर की सर्टिफिकेट। जिसने कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा, वो तो सबसे ज्यादा गुल खिला रहा है, डिग्री कॉलेज चला रहा है। शिक्षा की काली घटाएं छट रही हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा की पंजीरी की तर्ज पर डिग्रियां बट रही हैं। फ्री इंडिया के ये फ्री फंडिया शिक्षण संस्थान सच्चा समाजवाद ला रहे हैं, पास और फेल के बीच का अंतर मिटा रहे हैं, गधे को घोड़ा बना रहे हैं, जिसे नहीं चाहिए उसे भी डिग्री दिला रहे हैं। प्रिंसिपल साहब रोज सवेरे प्रार्थना के बाद बच्चों को चरित्रवान बनने के लिए प्रेरित करते हैं, अध्यापक से 15,000 पर साइन कराकर 3,000 देते हैं। ये डिजिटल युग के दुधमुहे भी खूब प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। अब कोर्स में न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, बस यहीं तक है। दृष्टिकोण कहां पढ़ाया जाता है? तो बच्चे जैसा पढ़ते हैं वैसा बनते हैं। अब वो जमाना गया जब सामने से गुरुजी को आता हुआ देखकर लड़के छुप जाते थे, अब तो गुरुजी खुद छुप जाते हैं। कोई भरोसा है कि ये होनहार कब कैसा बर्ताव करने लगे, कब क्या बोल दें? बच कर न रहे तो गुरुजी की धोती खोल दें। ये अंगूठा कटाने नहीं, अंगूठा दिखाने वाले एकलव्य हैं। मौका मिलते ही गुरु दक्षिणा आधा कर देते हैं, चार लड़कों के बीच में फंस जाए तो गुरुजी के द्रौपदी बना देते हैं। ये लड़के बड़े तेज तर्रार हैं, हाँ बड़ी जल्दी जान जाते हैं कि आज के इस माहौल में पराक्रम से ज्यादा परिक्रमा जरूरी है। गतिविधि के बिना गति अधूरी है, सीधा चलना है तिरछा जाना है, क्योंकि इस दौर का हर दरवाजा टेढ़ा है और टेढ़े दरवाजे में घुसने के लिए टेढ़ा होना मजबूरी है। रण क्षेत्र में जीत हासिल करने के लिए अर्जुन के गांडीव के साथ साथ कृष्ण की कलाबाजी जरूरी है। आज की यह शिक्षा बड़े कमाल की है, इससे आत्मा में प्रकाश भर जाता है। हाँ,
और जिसकी आत्मा में भर जाता है प्रकाश, उसका दृढ़ हो जाता है हराम खोरी पर विश्वास। फिर उसे आ जाता है भ्रष्टाचार के स्विमिंग पूल में उतरना, मोटी रकम महीन तरीके से कतरना, पूंजी की धुन पर ठुमकना आ जाता है। कानून बनने से पहले उस कानून की गिरफ्त से निकलना आ जाता है। फिर ये देशी मैल विदेशी साबुन से छुड़ाते हैं, पैसा कमाते नहीं पैसा बनाते हैं। आ जाता है अहंकार को लाइफ स्टाइल बनाकर जीना, पानी छान कर और आदमी का खून बिना छाने पीना। करतूतें चाहे जितनी काली करें, कार्यालय स्वच्छ रखते हैं। सावन में घूस नहीं मिलता तो भादों में लगते ही एरियर सहित वसूलते हैं। संस्कृत को देव भाषा बताते हैं, अंग्रेजी के सामने चड्ढी पहनकर नाचते हैं। व्यवस्था के खिलाफ बोलते बोलते व्यवस्था के अंग बन जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता आज की इस उन्नत शिक्षा का मर्म, कैसा है इसका गुणधर्म। इसे अच्छी तरह ग्रहण करके जो अफसर बन जाते हैं, 3 दिन में होने वाला काम 3 साल लटकाते हैं। पुश्तैनी घर भुतहा लगने लगता है, अपनी बीबी फूहड़ कहीं और सीटी बजाते हैं। पजामे का नाड़ा चपरासी से बंधवाते हैं, जिस दिन चपरासी नहीं आता नंगे रह जाते हैं। इंजीनियर बनते हैं तो देखने वाले देखते ही रह जाते हैं, ऐसी लगन से राष्ट्र निर्माण करते हैं कि शहर में इनके 10 मकान बन जाते हैं। डॉक्टर बनते हैं तो पथरी निकालने का चार्ज करते हैं, किडनी फ्री में निकाल देते हैं। वकील बनते हैं तो कमाल ही कर देते हैं, अपनी पर आकर जब करते हैं बहस तो पूरी हकीकत को विद्ध कर देते हैं, पत्नी की जगह पति को गर्भवती सिद्ध कर देते हैं। बनते हैं कवि या पत्रकार तो जिधर रहते हैं उधर का उद्धार, इधर रहते हैं तो जहां जहां आग देखे कंबल से ढक देते हैं, उधर हुए तो पानी की जगह पेट्रोल छिड़क देते हैं। हमारी राजनीतिक पार्टियां अपना कर्तव्य बखूबी निभाती हैं, छात्र संघ के चुनाव में राजनीति के गुर सिखाती हैं। ठीक भी है, आखिर ये छात्र विश्वविद्यालय में हाथ नहीं आजमाएंगे तो कल को विधानसभा में कैसे जूता चलाएंगे। ऊंचे संस्थान वो कहे जाते हैं जो हर सब्जेक्ट अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ने वालों को पथभ्रष्ट बताते हैं। आज के इस दौर में जो अंग्रेजी पढ़ा बस वही पार गया, भारत अंग्रेजों से तो जीता इस अंग्रेजी से हार गया। भारत अंग्रेजों से तो जीता इस अंग्रेजी से हार गया। इसी अंग्रेजियत का असर है कि इकलौता बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनकर किसी बड़े शहर के किसी बड़े होटल में किसी कन्या कटीली के साथ डिनर उड़ाता है, इधर आईसीयू में भर्ती बूढ़ा बाप राह तकते तकते मर जाता है। आज की यह शिक्षा लोक मंगल का भाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ बटोरने का दांव सिखा रही है, जीवन के रस को सुखा रही है। आंखों की ज्योति कही जाने वाली शिक्षा अब तो सिर्फ अंधा बना रही है, अंधा बना रही है, अंधा बना रही है।